अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो यहाँ पे हमें फाइनली फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह घर मिल गया है, तो उसी की डॉक्यूमेंटेशन के लिए हम लोग आए थे। फाइनल डॉक्यूमेंटेशन थी तो यहाँ पर मैं वेट कर रही हूँ। हस्बैंड मेरे चेक कर रहे हैं सारे डॉक्यूमेंट, और वो रही हमारी की। सो यहाँ से सब कुछ फाइनलाइज करने के बाद उन्होंने हमें एक छोटा सा ये गिफ्ट हैम्पर दिया था वेलकम के लिए, जिसमें ये सारी चीज़ें थी। तो वही हम लोग आके देख रहे थे कि इसमें क्या क्या है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर बना के दिया था। तो उसमें ये हैंड वॉश था, और ये एंटीबैक्टीरियल स्प्रे मैं देख रही हूँ ये था, और वेट वाइप था, और एक सोप था। ऐसी थोड़ी मोड़ी चीज़ें थी, तो वही हम चेक कर रहे थे बैठकर। अच्छा जी, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, तो ये अभी छोटा सा एक हाउस टूर मैं दिखा दूंगी। इसमें मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि एक छोटा सा वीडियो बना ले, तो उन्होंने एक छोटा सा वीडियो बनाए हैं। तो ये जिस दिन हमें की मिली थी ना, जो अभी आपने देखा, ये उस दिन का है। तो तब तक हम इसमें शिफ्ट नहीं हुए थे। की मिलने के हम 2 दिन के बाद इसमें शिफ्ट हुए हैं, क्योंकि हमारा जो होटल अपार्टमेंट था, जो लास्ट व्लॉग में आपने देखा, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो उसमें होटल अपार्टमेंट का भी टूर है, तो उसमें हमारे 2 दिन चेकआउट करने के लिए थे। 2 दिन हमने एक्स्ट्रा मतलब लिया था, तो 2 दिन पहले ही हमें यहाँ की कीज़ मिल गई थी। तो हमने आके यहाँ पे घर देख लिया था, थोड़ा थोड़ा बहुत सामान यहाँ लाके रख दिया था। तो ये उस वक्त की वीडियो है, तो आप लोग ये देख के एंजॉय करें। छोटा सा घर है, और 1 बेडरूम हॉल है, किचन है लिविंग रूम के साथ। और इसमें हमें 2 बेडरूम का चाहिए था, बट 2 बेडरूम का हमें मिला नहीं। तो इसमें क्या है कि इसमें बेसमेंट था साथ में, तो इसलिए हमने इसे इस घर को डन किया, क्योंकि घर हमें मिल ही नहीं रहा था। हम बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं घर के लिए। और आप इसे भी देख सकते हैं, ये इसका बैकयार्ड का गार्डन है, जिसकी हालत बहुत ख़राब है। करेंगे इसे भी धीरे धीरे ठीक करेंगे, अब तो यहीं रहना है। तो थोड़ा थोड़ा करके इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा इस घर में। और ये घर वो है जो हमने सबसे पहले व्यूइंग की थी यूके आने के बाद, तो हमें नहीं पता था कि इसी घर को हमें डन कर देना होगा, क्योंकि घर बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं थे, यहाँ पे मिल ही नहीं रहे थे। तो अब ये उस दिन का वीडियो है जब हम इस घर में आ चुके थे। फर्स्ट डे था हमारा होटल से, हमने मॉर्निंग में 11 o'clock को चेकआउट किया था, और यहाँ पहुँचते पहुँचते लंच का टाइम हो गया था। तो मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पहुँच कर, सामान भी हमारा बिल्कुल इसी तरीके से घर में पड़ा हुआ था, कुछ भी सेट नहीं हुआ था। आके सबसे पहले मैंने लंच प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, और मैं तो चाहती थी बहुत अच्छी तरीके से लंच बनाऊं, क्योंकि इस घर में मेरी पहली कुकिंग थी। तो मैंने बहुत कुछ सोचा था, बट ऐसा हुआ कि हमें यहाँ आते आते बिल्कुल लंच का टाइम हो गया था। तो मैंने जल्दी जल्दी सा क्विक सा एक पुलाव बना लिया, तो आप लोग इसे देखकर एंजॉय करें। Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. Chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. तो जी, यहाँ पे मैं आपको जल्दी जल्दी बताती चलूँ कि ये मैंने कैसे बनाया। कोई ऐसी रेसिपी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बिल्कुल सिंपल सा पुलाव है। तो ऑयल गरम किया, ऑयल में मैंने सारे खड़े गरम मसाले डाल दिए, उसके बाद प्याज डाल दी, प्याज थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो गई। उसके बाद हमने इसमें डाला है चिकन, और आलू डाल दिया हमने, टमेटो डाल दिया, जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया, और जो हमारे सूखे बेसिक मसाले होते हैं वो अभी मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। और सब चीज़ें डालकर मैं अच्छी तरीके से भून लूँगी इसे। एक से 2 मिनट अच्छी तरीके से भूनने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ दही। दही डाल के बिल्कुल इसे फिर से अच्छी तरीके से हमें भूनना है,
और इसके बाद हमें ढक्कन लगा के इसे थोड़ी देर के लिए रख देना है। ये तब तक इसका ऑयल रिलीज हो जाएगा अच्छी तरीके से, चिकन भी हाफ कुक हो जाएगा और हाफ कुक हमें राइस डालने के बाद इसे कर लेना है, तो इसमें हो जाएगा ये। तो यहाँ पर मैंने चिकन को हाफ कुक कर लिया है, अब इसमें मैं राइस ऐड कर रही हूँ। राइस ऐड करके भी अच्छी तरीके से मिक्स करके हमें इसे ढक देना है। यहाँ पे मैंने सॉल्ट भी चेक कर लिया था, तो अगर कम ज़्यादा होगा तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और मीनवाइल वो जब तक उस पर दम लग रहा है, तो मैं यहाँ पर रायता बना रही हूँ। और रायता भी सिंपल सा है, हम लोग इसे कचूमर कहते हैं, तो आप लोग पता नहीं क्या कहते हैं, रायता कहते हैं या सैलेड कहते हैं, जो भी कहते हैं। तो ये तो मस्ट है पुलाव और बिरयानी के साथ, तो मैं फटाफट से ये भी रेडी कर रही हूँ। ओके जी, तो यहाँ पर रेडी हो गया है क्विक सा यम्मी सा पुलाव, और मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, तो मैं उसे यहाँ पर पुलाव निकाल कर दे रही हूँ। और आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मिलती हूँ एक नई वीडियो में और नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।